हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टेप पोटेंशियल। इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के दो टॉपिक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल सिस्टम्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करते हैं। और स्क्रोडिंजर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज़ वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज जो हमें मिलती हैं, वो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं। और इसके बाद हमने किया फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल में एक कम्प्लीटली फ्री पार्टिकल लिया था जिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, वो एक पोटेंशियल में था जिसकी वैल्यू थी V इज इक्वल टू ज़ीरो। और पार्टिकल फ्री था स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टेप पोटेंशियल और पोटेंशियल स्टेप। इसको कई जगह पे फाइनाइट पोटेंशियल स्टेप भी कह देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द पोटेंशियल दैट अंडरगोज वन डिसकंटिन्यूअस चेंज इज कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल। देयर इज डिसकॉन्टिन्यूटी एट वन पॉइंट, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट जीरो, वी नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने पहले से लिख लिया है सारा कुछ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में और मैं अच्छे से आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। एक ऐसा पोटेंशियल दैट अंडरगोज वन डिसकंटिन्यूअस चेंज, जिसमें सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूअस चेंज हो। देखिए, जो फ्री पार्टिकल था लाइक दिस, कोई पार्टिकल है वो बिल्कुल फ्री था जाने के लिए इधर उधर, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। तो वो एक्स, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, एक ही डायमेंशन में लेफ्ट और राइट जाने के लिए बिल्कुल फ्री था, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। ठीक है, अब जो ये पार्टिकल है इस पर क्या एक रिस्ट्रिक्शन लग रही है, इस पर एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है। दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ फेसिंग अ डिसकंटिन्यूटी इन द पोटेंशियल। देखिए, पहले ये था जीरो पोटेंशियल में, ओके। अब एकदम से ये क्या करेगा, एक पोटेंशियल से स्ट्राइक करेगा जिसकी वैल्यू होगी वी नॉट। ये बिल्कुल वैसे है घर पे एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, वो फर्श पर खेल रहा है और एकदम क्या होता है, दूसरे पार्ट में जाने के लिए घर के एक सीढ़ी होती है, एक हल्की सा स्टेप होता है, ठीक है, उस वो एक डिसकंटिन्यूटी होती है उसके रास्ते में, दैट इज कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल। अब हम फिर से एक बार वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। देर इज ओनली वन डिसकंटिन्यूअस चेंज, एक ही डिसकंटिन्यूटी है और वो एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। और वी एक्स जो है वो वी नॉट है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जीरो है एक्स लेस देन जीरो के लिए। ये देखिए, ये मैथमेटिकल था इसका, और ये डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई पार्टिकल है इस तरफ से आ रहा है और एकदम उसको एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल में सडन चेंज मिलता है, और ये सडन चेंज जो है वो कैसा है, फाइनाइट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट स्टेप पोटेंशियल, ओके। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है और यहाँ पे नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट है, और ये किसके बाद है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो के बाद। आई होप इतना आपको क्लियर है। कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में कोई एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ग्रेजुएशन में हैं अगर आप, तो स्टेप पोटेंशियल पे ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्टेप पोटेंशियल, तो आप इतना राइट कर सकते हैं। द पोटेंशियल दैट अंडरगोज वन डिसकंटिन्यूअस चेंज इज कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल, एंड देर इज ओनली वन डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मैथमेटिकली इट कैन बी डिस्क्राइब लाइक दिस एंड डायग्रामेटिकली लाइक दिस। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। लेट अस कंसीडर, क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स के मोशन को हम स्टडी करते हैं। जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, क्वांटम साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। और
1D पोटेंशियल्स में हम स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप के पोटेंशियल्स को फेस करते हैं और जब वो पोटेंशियल को फेस करते हैं तो उसके बाद उनका मोशन कैसा रहता है। तो ये एक पोटेंशियल है स्टेप पोटेंशियल जिसको हमारा पार्टिकल फेस करने वाला है। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने अज्यूम किया कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ एज द पार्टिकल अप्रोचेज द पोटेंशियल, जब पार्टिकल इस पोटेंशियल को अप्रोच करता है मीन्स इस पोटेंशियल के पास आता है, मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद इट गेट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। जो मैटर वेव्स हैं पार्टिकल से एसोसिएटेड हैं वो या तो रिफ्लेक्शन शो करेंगी या ट्रांसमिशन, मीन्स या तो वो वापस चली जाएंगी यहाँ से टकराकर या फिर इसको क्रॉस कर जाएंगी। और ये डिपेंड करता है पार्टिकल की एनर्जी पे कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं या ट्रांसमिशन करती हैं, मीन्स जो हमारा पोटेंशियल है उसको क्रॉस कर जाती हैं। नाउ व्हाई डू दीज वेव्स मैटर वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ये हम बताएंगे एक एग्जांपल लेकर। जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एट बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स हैविंग डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, जैसे लाइट की बात करते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है हमारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ही लाइट, मान लेते हैं यहाँ पे है एयर और यहाँ पे है ग्लास, एयर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेते हैं म्यू वन और ग्लास का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। तो जब लाइट ट्रैवल करती है एयर से ग्लास में तो ये डायरेक्ट सीधी नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, अपना रास्ता जो है चेंज करेगी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम्स का वो कैसा है, अलग अलग है, इसलिए लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी और क्या होगी, रिफ्लेक्ट, मीन्स या तो वो जो दूसरे मीडियम में चली जाएगी या कुछ पार्ट जो है उसका उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, सॉरी दिस पार्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ऐसे ही जब मैटर वेव्स एक डिसकंटिन्यूटी फेस करती हैं पोटेंशियल में तो वो क्या करती हैं, या तो रिफ्लेक्ट होती हैं या ट्रांसमिट हो जाती हैं। डिसकंटिन्यूटी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी इसलिए वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिटेड। और अगर बात करें मैटर वेव्स की तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस आता है तो वो क्या हो जाती हैं, डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल को देख के वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या ट्रांसमिट हो जाती हैं, मीन्स ट्रांसमिट कर जाती हैं लाइक दिस। हमारा जो पोटेंशियल है वो जा रहा है, यहाँ पे वी नोट एक पोटेंशियल है, यहाँ पे पार्टिकल है, जब ये आया तो ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल और ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल ये जो मैटर वेव है एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ये इसका कुछ पार्ट तो जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा मीन्स उस मीडियम को उस पोटेंशियल को क्रॉस कर जाएगा और जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो रिफ्लेक्शन और ये जो ट्रांसमिशन है ये डिपेंड करता है पार्टिकल की एनर्जी पे। पार्टिकल की एनर्जी या तो हो सकता है इस पोटेंशियल या इस पोटेंशियल एनर्जी से लेस हो या फिर ज़्यादा हो, तो दो केस हैं यहाँ पे कम और ज़्यादा वाले। तो केस वन जो मैंने लिया है दैट इज ग्रेटर देन बी नॉट, मीन्स जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है। एनर्जी लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये जो पार्टिकल की एनर्जी है ये ज़्यादा है। ये मैंने ड्रॉ कर दी एनर्जी लाइन। अब अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से बात करें तो क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है इस पोटेंशियल एनर्जी से, तो सारी की सारी वेव्स जो मैटर वेव्स हैं वो क्या कर जानी चाहिए, ट्रांसमिट मीन्स पोटेंशियल को क्रॉस कर जानी चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिकली देर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि वेव्स रिफ्लेक्ट भी करेंगी। इसको स्टडी करते हैं हम आगे। हमें वही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसमें। देर इज़ अ वन डिसकंटिन्यूटी पोटेंशियल, दस देर इज़ वन बाउंड्री। ओके, क्योंकि पोटेंशियल में एक डिसकंटिन्यूटी है, इट मीन्स एक बाउंड्री है, इट मीन्स जो स्पेस है इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स, रीजन वन एंड रीजन टू। एक्स लेस देन जीरो रीजन वन होता है एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन टू। अब हम इन दोनों रीजन्स में पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे और पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए, एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, वेव फंक्शन निकालने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो उसी स्क्रोडिंजर इक्वेशन को मैंने राइट कर लिया है। रीजन वन में क्या है, पोटेंशियल जो है हमारा ज़ीरो है, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है या जनरल इक्वेशन कह सकते हैं हम, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वेयर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ अकेला ई नहीं होता, दिस इज ई माइनस वी, ओके, इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन होती है। अगर आपको ये जानना है कि ये इक्वेशन कैसे आती है, तो ये मैंने अपने पहले वीडियो में जो इसी प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अब क्योंकि रीजन वन में हमारा पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, तो इस इक्वेशन में जब मैं पोटेंशियल को यानी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पुट करती हूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, डी स्क्वेयर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वेयर साई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने यहाँ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं वन डी पोटेंशियल्स, ओके, और साई वन क्यों लिखा है, जो रीजन वन का हमारा वेव फंक्शन है उसको मैंने नाम दे दिया है साई वन। नेक्स्ट है रीजन टू के लिए। रीजन टू में हमारा पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी नॉट के इक्वल है, और क्योंकि एनर्जी जो है ई ग्रेटर देन वी नॉट है, तो इसलिए हम यहाँ राइट कर लेते हैं डी स्क्वेयर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नॉट साई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं क्या होता है। देखिए ये इक्वेशन है डी स्क्वेयर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई अपॉन एच कोट स्क्वेयर साई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वन डी के लिए, रीजन वन के लिए, और ये इक्वेशन क्या है, रीजन टू के लिए। अब जब इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम डी साई अपॉन डी एक्स जो पार्ट होता है इसको इस तरह से लिख देते हैं, डी या एम डी साई। और हमारी जो इक्वेशंस हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। इसमें हम जो ये पार्ट है इसको हम के डिफाइन करते हैं, के हमेशा रियल और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दिस इज के वन स्क्वेयर साई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। के वन को बहुत ध्यान से डिफाइन करते हैं, जिससे क्या होता है हम हमारी जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें सही से मिल पाए। तो देखिए के वन स्क्वेयर टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वेयर, के टू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एम अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नॉट। ई क्योंकि वी नॉट से ज़्यादा है तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमेशा कैसी आएंगी, रियल एंड पॉजिटिव। जो के टू स्क्वेयर की वैल्यू है ये कैसी है, रियल एंड पॉजिटिव, ओके। अब आगे बात करते हैं
ये मैंने आपको बताया था, इसको सोल्व करने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, साई वन इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एक्स। ओके, सेम वे ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मीन्स जो वेव फंक्शन है वो कैसा आएगा, सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एक्स। तो ये मैंने राइट कर लिया है रीजन वन के लिए जो वेव फंक्शन आया और रीजन टू के लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन आया और वी कैन से सॉल्यूशन आया इक्वेशन का। अभी वेव फंक्शन हम इनको एज अ वेव फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे कैसे, लाइक साई वन इज इक्वल टू दिस। अब देखिए रीजन वन में क्या था, वी इज इक्वल टू जीरो, तो पार्टिकल की सिचुएशन कैसी थी, ऑलमोस्ट फ्री पार्टिकल जैसी थी, पार्टिकल लेफ्ट राइट में भी ट्रेवल कर सकता था, एक तो ये बात हुई। और दूसरा ये कि जब पार्टिकल इंसिडेंट हुआ यहाँ पर इस पोटेंशियल वी नोट पर, या पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव्स थी एसोसिएटेड वेव्स जो इस पे इंसिडेंट हुई वो क्या हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट हुई होंगी, ओके, एंड कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ होगा। तो हम बात करते हैं रीजन वन की, तो रीजन वन में इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है ना। जो रीजन वन था ये वाला, इसके अंदर इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड जो पार्ट है वो भी इसी प्लेन के अंदर इसी रीजन के अंदर है। तो जो हमारी वेव थी उसको हमने कैसे कर लिया, ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स, और जो हमारा ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसिडेंट वेव को, मीन्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दिस वन वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एंड ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है वो है इंसिडेंट वेव, मीन्स जो वेव राइट साइड को ट्रेवल कर रही है, और ये जो पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्टेड, जो इस पोटेंशियल से रिफ्लेक्ट हुआ है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब बात करते हैं रीजन टू में, रीजन टू का जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस तरह से आया है, देखिए तो सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एक्स। यहाँ मैंने डी को जीरो लिखा है, ये कैसे लिखा है, देखिए जो हमारा रीजन टू था लाइक दिस, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर रही हूँ, इसके अंदर जो वेव थी वो कैसी है, ट्रांसमिटेड, ओके। तो जो वेव है रीजन टू में वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्टेड पार्ट तो कोई है ही नहीं वेव का, तो जो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट था मीन्स जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने का वाला पार्ट था वो कैसा है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए इस पार्ट को यहाँ पे जीरो पुट किया। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जो थी वो कैसे पुट करी, नेगेटिव जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आया, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, डी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने अब तक जो भी मैंने आपको बताया उसके थ्रू मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन जो है प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है, इसका ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स फॉर रीजन वन। रीजन वन हमने डिफाइन किया था माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और हम कह सकते हैं एक्स लेस देन जीरो के लिए। और जो नेक्स्ट है सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स, ये वेव फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ है सेकेंड रीजन के लिए, जिसकी बाउंड्री जो है, जिसकी जो लिमिट है वो कुछ इस तरह से है, साई इज ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एक्स जब जीरो से ग्रेटर हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। अब हम वेव फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साई वन एक्स इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई रिफ्लेक्टेड एंड साई टू जो है दैट इज इक्वल टू साई ट्रांसमिटेड।
और ऊपर वाले जो इक्वेशंस थी हमारे पास, जो हमारा ये वेव फंक्शन था दिस पार्ट, इससे और इसका कंपैरिजन करके हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, साई इंसिडेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स, साई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, साई ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट माइनस इंफिनिटी इज आइदर मोड ऑफ ए स्क्वेयर और मोड ऑफ बी स्क्वेयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वेयर। अब बात कर रहे हैं रीजन वन की, तो जो माइनस इंफिनिटी है वो कहाँ है, रीजन वन में। तो साई एक्स टी का मोड ऑफ स्क्वेयर अगर हम करें तो क्या आएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वेयर और मोड ऑफ बी का स्क्वेयर, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आप करके देख लीजिएगा, साई स्टार साई तो वो क्या सा आएगा, ए स्क्वेयर, और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये जो पार्ट है ये वन बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ ए का स्क्वेयर बनेगा। तो जो पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है रीजन वन में या माइनस इंफिनिटी पे भी, वो कैसी है हमारी, या तो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, मीन्स ये जीरो के इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर बात करें प्लस इंफिनिटी पे पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसी है, मोड ऑफ सी स्क्वेयर एंड दैट इज नॉन जीरो। अगर ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए, और नहीं याद होती तो मैं और वीडियोस में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। इफ पार्टिकल कैन बी फाउंड एनी वेयर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट मीन्स पार्टिकल जो है वो कैसा है हमारा, अनबाउंड। हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे अनबाउंड है, मीन्स होल रीजन इज क्लासिकली अलाउड रीजन। पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जब मिलता है, मिल सकता है, फाइंड किया जा सकता है, तो ऐसे रीजन को हम क्लासिकली अलाउड रीजन कहते हैं। और ऐसे रीजन की जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यूअस। ये बात याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो हमारे अनबाउंड सिस्टम्स होते हैं उनकी एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, और जो हमारे बाउंड सिस्टम्स होते हैं उनकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल होता है हमारा, उससे एसोसिएटेड जो वेव होती हैं उनका कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा और कैसा पार्ट हमारा जो है वो ट्रांसमिटेड होगा। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को। रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी। रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकालना है तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इंसिडेंट वेव था वो कितना था, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो रिफ्लेक्टेड हुआ है पार्ट वो कितना है। देन आर इज इक्वल टू एस रिफ्लेक्टेड अपॉन एस इंसिडेंट। सेम वे ट्रांसमिशन कोफिशियंट, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी, यानी जो ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी है और जो इंसिडेंट करंट डेंसिटी है उनका रेशो। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी है और ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू वन। वन मीन्स जितना इंसिडेंट था, अगर हम इंसिडेंट को वन मान लें तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का जो सम है दैट इज इक्वल टू सेम एज इंसिडेंट, मीन्स वन।
तो जो हमारा एस इंसिडेंट है, मींस जो हमारा इंसिडेंट करंट डेंसिटी है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी है और ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी है, ये हम निकालते कैसे हैं? करंट डेंसिटी। अगर आपको करंट डेंसिटी पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो ये जो हमारा एस इंसिडेंट है वो कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी इंसिडेंट के लिए वो कैसी थी? मोड ऑफ ए स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेव की कैसे निकालेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो हमारी इंसिडेंट वेव थी दैट वाज ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स, ये था। ये कैसी वेव है? प्लेन वेव फॉर्म। ओके, इसके लिए जब हम मोमेंटम की आइगन वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? जो आयोटा एक्स का कोफिशियंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एच कट से। तो देखिए, आयोटा एक्स का कोफिशियंट क्या है? के वन। तो जो मोमेंटम था वो कैसा रहा इसका? एच कट के वन। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है? वेलोसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन एम। मोमेंटम क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन एम। एम से एम कैंसल, तो पी अपॉन एम जो है वो हमें क्या मिल गया? वेलोसिटी। तो यहाँ से पी अपॉन एम मीन्स मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। मोमेंटम है हमारा एच कट के वन और उसके डिवाइड में क्या आता है? मास। तो ये जो है हमारी क्या आई? इंसिडेंट करंट डेंसिटी। सेम वे साई रिफ्लेक्टेड स्क्वायर, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है, रिफ्लेक्टेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है हमारी मोड ऑफ बी स्क्वायर। और एस रिफ्लेक्टेड जब निकालना है तो इसका क्या वेव फंक्शन था हमारे पास? बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। सेम वे में जब हम इसके लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगी? माइनस एच कट के वन अपॉन एम। आई होप ये वेलोसिटी का अगर आपको क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा इस पार्ट पे रिपीट करके वीडियो को, कि आपके बहुत काम की चीज़ है। तो वेलोसिटी कैसे आई? मोड ऑफ बी स्क्वेयर इंटू माइनस एच कट के वन अपॉन एम। सेम वे एस ट्रांसमिटेड, तो मोड ऑफ सी स्क्वेयर एच कट के टू अपॉन एम। अब जब हम रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकाल रहे हैं, आर इज इक्वल टू एस रिफ्लेक्टेड अपॉन एस इंसिडेंट। एस रिफ्लेक्टेड अभी अभी हमने फाइंड आउट की, मोड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस एच कट के वन अपॉन एम। सेम वे इंसिडेंट मोड ऑफ ए स्क्वेयर एच कट के वन अपॉन एम। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि हमने क्या ले लिया था? मोड लिया था। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, मोड ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वेयर। एस ट्रांसमिटेड ये जो था हमारा आ चुका यहाँ से, ये देखिए एच कट के वन अपॉन एम से एच कट के वन अपॉन एम कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बच गया। अब है ट्रांसमिशन कोफिशियंट, एस ट्रांसमिटेड अपॉन एस इंसिडेंट, मीन्स ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी। तो ये जो वैल्यूज आई थी हमारी वो हमने फिर से पुट की है, मोड ऑफ सी स्क्वेयर इंटू एच कट के टू अपॉन एम एंड मोड ऑफ ए स्क्वेयर एच कट के वन अपॉन एम। तो यहाँ से देखिए एच कट कैंसिल हो गया एम से एम, बट के से के कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये जो के हैं वो दोनों डिफरेंट है। दिस वन इज के टू एंड दिस वन इज के वन। तो यहाँ पे हमारा आ गया के टू अपॉन के वन इंटू मोड ऑफ सी स्क्वेयर अपॉन ए मोड ऑफ ए स्क्वेयर। अब बाउंड्री कंडीशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मोटिव है ये आर और टी निकालना, ये अभी तक निकले नहीं हैं, मीन्स हमने अभी तक इनको फाइंड आउट नहीं किया है, ये सिर्फ बी ए
और सी की फॉर्म में है। अभी हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहती हैं, और इस ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम वेव फंक्शंस पर लगाते हैं, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम वेव फंक्शंस पर लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो हमें हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस मिल सकें, हम फाइंड आउट कर सकें इन वैल्यूज़ को। तो जो वेव फंक्शन है उस पे लगने वाली कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, लाइक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पर, कि वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक तो वो फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो उसका डेरिवेटिव है मीन्स डी साई अपॉन डी एक्स है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। डेरिवेटिव ऑफ साई शुड बी कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है, आप देखिए ये बाउंड्री थी हमारी, ठीक है, हमारी जो वेव थी इस तरफ आ रही है और उसके बाद इस पोटेंशियल को फेस करने के बाद इस तरफ जा रही है। तो जो ये बाउंड्री है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में से जब हम अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेव फंक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। हमारी बाउंड्री किस पे थी, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। तो देखिए साई वन एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे इज इक्वल टू साई, मीन्स हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, उस बाउंड्री पे हमारा जो वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो साई वन एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू साई टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सेम वे डी साई वन अपॉन डी एक्स, जो वेव फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से। तो डी साई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये जो है इक्वल रहना चाहिए। अब हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए कोफिशियंट्स हैं थ्री, ए बी एंड सी, और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ओनली टू। तो इसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए रूल होता है मैथमेटिकली, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ कंडीशंस नंबर ऑफ कोफिशियंट से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, मींस ए बी सी की वैल्यू अलग अलग मिल सकती है। बट अगर नंबर ऑफ कंडीशंस नंबर ऑफ अननोन कोफिशियंट से कम हो, जैसे हमारे पास कोफिशियंट्स हैं थ्री और जो हमारी कंडीशंस हैं वो कितनी हैं, टू, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें क्या मिलेगा, ए बी सी और ए बी और सी में रिलेशन मिलेगा और उससे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें लगानी होती हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो ये है बाउंड्री कंडीशन का रोल यहाँ पे। देखिए फर्स्ट वेव फंक्शन इज कंटिन्यूस, साई वन एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू साई टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमारा वेव फंक्शन क्या था, साई वन, यहाँ पर ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स, ओके, प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई और x को हमने ज़ीरो पुट किया इसके अंदर, तो e की वैल्यू जो है, e की जो पावर है सॉरी, वो क्या हो गई, ज़ीरो। किसी भी क्वांटिटी की पावर ज़ीरो हो तो वो क्या बन जाती है, वन। तो ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट रिलेशन है, वो आ चुकी है। इसके बाद है कंडीशन टू, बाउंड्री कंडीशन टू लगा रहे हैं। तो ये देखिए डी साई वन अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डी साई टू अपॉन डी एक्स मीन्स बाउंड्री पे जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, साई वन की
अपॉन डी एक्स ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सेम वे साई टू की वैल्यू पुट करती है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के वन एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स का कोफिशियंट क्या है आयोटा के वन, ये आगे आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक पार्ट ये सेम रहता है। तो ये इसका डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव ये नेगेटिव था तो इसलिए आगे माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू सेम वे लाइक दिस। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिलेशन आ जाता है आयोटा से आयोटा कैंसल, के वन ए माइनस बी इज इक्वल टू के टू सी, तो के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी, ये हमारी नेक्स्ट रिलेशन आ गई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी, जब मैंने ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगी तो हमारे पास बी की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, बी इज इक्वल टू के वन माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू ए, और यहां से हम b अपॉन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोड ऑफ b अपॉन मोड ऑफ a, और हमारा जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट था दैट वाज इक्वल टू मोड ऑफ b स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ a स्क्वायर। तो हम इस तरह से रिफ्लेक्शन कोफिशियंट फाइंड आउट कर सकते हैं के वन ए माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू के मोड का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर मोड लगाया हुआ है और यहाँ पर मोड जो है वो रिमूव कर दिया है, क्यों, क्योंकि एक ही बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि जो हमारा k1 एंड k2 है, मीन्स जो हमारे k हम डिफाइन करते हैं वो हम इस वे में डिफाइन करते हैं कि ये रियल और पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा, तो इसमें मोड लगाने या ना लगाने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इसी तरह से उन्हीं दो इक्वेशंस को सोल्व करके हमारे पास मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यूज जो आएंगी वो इस तरह से आएंगी फोर के वन स्क्वायर अपॉन के वन प्लस के टू का होल स्क्वायर। तो जब हम ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकालेंगे के टू अपॉन के वन मल्टीप्लाई मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू हमने पुट कर दी और ये जो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशियंट था वो क्या आ जाएगा फोर के वन के टू अपॉन मोड ऑफ के वन प्लस के टू का होल स्क्वायर। यहाँ से भी हमारे पास सेम वही रिलेशन आएगी, आप करके देख लीजिए यार, आर प्लस टी इज इक्वल टू वन। अब ये जो इक्वेशंस आई हमारी के वन माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू ए, ये मैंने यहाँ सोल्व करके नहीं दिखाया है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि ये कैसे आई। सो लेट्स स्टार्ट, देखिए ये इक्वेशन थी हमारी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और एक इक्वेशन ये थी के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए और हमें क्या करना है सी को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नाम दिया वन टू, बहुत सिंपल मेथड है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय के टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करना है और टू से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए के वन ए प्लस के वन सॉरी के टू, क्योंकि के टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के टू ए प्लस के टू बी इज इक्वल टू के टू सी, के वन ए माइनस के वन बी, ये जो सेकेंड इक्वेशन थी वो एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू के टू सी। अब आपकी मर्जी है कौन सी भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस प्लस, मैंने
इसी को सब्ट्रैक्ट कर लिया है जैसा मैंने लिखा, इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर यह बचा के टू माइनस के वन इंटू ए, ये ऐड कर रहे हैं तो प्लस बी कॉमन के वन प्लस के टू इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू की जगह आप राइट कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी थ्री नाम दे देंगे इसको, ठीक है। कैसे भी कर लीजिए, बहुत इजी पार्ट है एक्चुअली, नाइन टेंथ में हम सीख लेते हैं। के टू माइनस के वन है ये, ओके, इज इक्वल टू माइनस बी के वन प्लस के टू। हमें चाहिए बी अपॉन ए, तो हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू के टू माइनस के वन अपॉन, ये जो पार्ट था इसको हम इस तरफ नीचे ले आए, के वन प्लस के टू, और साथ में ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के वन माइनस के टू अपॉन, ये आ गया के वन प्लस के टू। आई होप ये आपको क्लियर है। ऐसे ही इसके बाद हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए एंड सी में, तो हमें क्या करना होगा, बी को रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। फिर से मैं वही क्वेश्चंस उठा रही हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी, इनको नाम देते हैं वन एंड टू। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन, वन बाय के वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के वन ए प्लस के वन बी इज इक्वल टू के टू, सॉरी के वन, दिस इज के वन, ऐसे लिख देते हैं के वन सी। अब जो सेकंड इक्वेशन है, अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन थ्री। अब हम राइट कर देते हैं अगला स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम सब्ट्रैक्ट की जगह हम करेंगे ऐड, ऐड इक्वेशन, कौन कौन सी हमें क्या करना है, सेकंड है ये, तो सेकंड और थर्ड में से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन टू एंड थ्री, तो क्या ऐसा रहेगा, ये के वन ए माइनस के वन बी इज इक्वल टू के टू सी, यहाँ से है के वन ए प्लस के वन बी इज इक्वल टू के वन सी, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम साइन जो है सेम है इसलिए ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा, देखिए के वन ए और के वन ए को ऐड करेंगे तो टू के वन ए इज इक्वल टू, यहाँ से के वन प्लस के टू इंटू सी, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे सी अपॉन ए, तो ये क्या आएगा, टू के वन अपॉन के वन प्लस के टू, और जब इसका मोड स्क्वायर करेंगे जो हमें ज़रूरत थी, तो मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मोड ऑफ के वन स्क्वायर अपॉन के वन प्लस के टू के मोड का स्क्वायर। आई होप ये आपको जो रेशियोज मैंने फाइंड आउट करके दिखाए हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ जो मैंने पुट किए थे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट है और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है वो निकाल कर दिखाइए, तो आपको यहाँ तक करना है। और अगर आप चाहें या एग्जाम में पूछा गया होगा लाइक प्रूव दैट सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशियंट इज़ वन,
तो आप इसको वैल्यूज पुट करके शो कर सकते हैं, वो मैं आगे दिखाने वाली हूँ करके, तो वो भी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। अब जो हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट और ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकाले थे अब तक, वो इस तरह से थे के की फॉर्म में। पर अगर हमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशियंट एनर्जी की फॉर्म में चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू पुट करेंगे। लाइक K1 की वैल्यू क्या थी, अंडर K1 स्क्वेयर की वैल्यू है ये 2ME/h² और K2 स्क्वेयर की वैल्यू है 2ME-V0/h². तो ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है वो इस तरह से आएगा, √2ME/h². K1 की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, यहाँ से निकाल कर K1 स्क्वेयर अगर ये है तो K1 क्या होगा, अंडर द रूट दिस क्वांटिटी। सेम वे K2 की वैल्यू ये है और यहाँ पे फिर से K1 की वैल्यू और ये K2 की वैल्यू और ये पूरे का मोड स्क्वेयर। और जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो इनको सोल्व कैसे करते हैं, ये स्टेप में क्लियर किया हुआ है। देखिए 2ME/h² था, इन सब में एक चीज़ कॉमन है 2M/h², यहाँ पर भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2M/h² बाहर ले सकते हैं अलग से। तो ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो 2ME/h² है वो कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है, अंडर द रूट ई और यहाँ पे √E-V0। सेम वे यहाँ पर √E+√E-V0 और ये सारे का मोड स्क्वेयर। अगर सेम वे हमें यही क्वांटिटी मीन्स जो हमारा कोफिशियंट है वो किस फॉर्म में चाहिए, पी की फॉर्म में, मोमेंटम की फॉर्म में, तो यहाँ से जो के था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच कट से, क्योंकि पी और के बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है P=h·k। तो h·k1-h·k2/h·k1+h·k2 और इस सारे का मोड स्क्वेयर। h·k1 को हमने नाम दिया P1, h·k2 को P2, h·k1 P1 प्लस यहाँ पे P2 और इसका मोड स्क्वेयर या होल स्क्वेयर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था मोड स्क्वेयर मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मोड स्क्वेयर और होल सिंपल स्क्वेयर लगाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा जो के है वो कैसी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटीज हैं ये कैसी हैं, रियल एंड पॉजिटिव। सेम वे ट्रांसमिशन कोफिशियंट के लिए 4K1K2/K1+K2 का मोड स्क्वेयर, 4P1P2/P1+P2 का होल स्क्वेयर और ई की फॉर्म में 4√E√E-V0√E+√E-V0 का होल स्क्वेयर। ये जो लिखा है मैंने ये डायरेक्टली इसलिए लिख दिया है क्योंकि सेम प्रोसीजर हमने यहाँ किया है, तो आप भी ये प्रोसीजर करके खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से अगले वीडियो में करवा दूंगी सोल्व इसको। अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशियंट 1 कैसे होता है, देखिए 4P1 मैंने यहाँ P की फॉर्म में उठाया है, आप K की फॉर्म में भी या फिर E की फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं, एक ही बात है। 4P1P2 एंड दिस ये हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशियंट था, एक हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है ये वाला और ये है ट्रांसमिशन कोफिशियंट। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये देखिए ये एलसीएम आया, P1+P2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है। और जब इसको सोल्व करेंगे 4P1P2 यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर पार्ट ही रह जाएगा और यहाँ से भी P1+P2 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ और ये होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, P1²+P2²-2P1P2 आ गया। और यहाँ से जब मैंने सोल्व किया P1²+P2²4P1P2-2P1P2 ये क्या बचा +2P1P2। ओके तो यहाँ से क्या बनाइए, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो गए
और ये इज इक्वल टू 1 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, आप यहाँ तक कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम अगला केस करेंगे ई लेस देन वी नॉट वाला। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।